Nikita Vaidya. In this video, we are going to do a question on cost of quality, that is COQ. A company produces and sells a single product. The cost data per unit for the year 2017 is predicted as follows. कंपनी प्रोड्यूसर सेल करता है एक सिंगल प्रोडक्ट. कॉस्ट डेटा पर यूनिट का 2017 के लिए दिया हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल रुपीज़ 35 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर रुपीज़ 25 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड रुपीज़ 15 पर यूनिट, एंड सेलिंग प्राइस रुपीज़ 90 पर यूनिट. ठीक है. द कंपनी हैज़ फोरकास्ट दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2017 विल बी 28,000 यूनिट्स. कितनी 28,000 यूनिट्स की डिमांड है. यानी गुड प्रोडक्ट्स विद कस्टमर. ये कितना है 28,000. इतनी डिमांड है, इतने अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए. हाउएवर टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ डिमांड प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज. देर आर नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट. द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द पीरियड. यानी क्या कि कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है प्रोडक्ट का, और स्टॉक लेवल मटेरियल का सेम रहेगा पूरे साल भर. द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर गिवन. ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन दी है. 12.5% of the item delivered to customers will be rejected due to specification failure and will require free replacement. The cost of delivering the replacement item is ₹5 per unit. देखो 12.5% of items delivered to customer will be rejected due to specification failure. मतलब कि जैसा कस्टमर को चाहिए था वैसा प्रोडक्ट नहीं है और उसको रिप्लेसमेंट चाहता है कस्टमर. कितने हैं ऐसे प्रोडक्ट? 12.5%. मतलब डिमांड कितनी थी 28,000 यूनिट्स. यानी उसको अच्छे प्रोडक्ट 28,000 यूनिट्स चाहिए. ठीक है. डिलीवर कितने हुए होंगे? डिलीवर X हुए होंगे और उसमें से 12.5% रिजेक्ट हुए होंगे, तब जाके कितने बचे 28,000. 28,000 क्या है 87.5%. ठीक है. ये सपोज 100 है और उसमें से 12.5% रिजेक्ट हुए तो 28,000 क्या है 87.5%. तो 100% क्या होगा 28,000 डिवाइडेड बाय 87.5%. तो क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा जो है 32,000. ठीक है. ये क्या है गुड यूनिट्स, ये रिजेक्टेड और ये डिलीवर्ड. ठीक है. आपके पास जितनी गुड यूनिट्स है उतनी दी है, कितना रिजेक्टेड है वो दिया है. तो सपोज डिलीवर्ड 100 है, तब अगर रिजेक्टेड 12.5% है तो गुड यूनिट्स है 87.5%. तो गुड यूनिट्स दी है 28,000. सो 28,000 डिवाइडेड बाय 87.5% तो क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा विच इज़ 32,000 यूनिट्स. राइट. नाउ द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द रिप्लेसमेंट आइटम इज ₹5 पर यूनिट. कितना कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कितना है रिप्लेसमेंट आइटम का ₹5 पर यूनिट. तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कितना होगा? प्रोडक्ट सिर्फ डिलीवर नहीं करना है, बनाना भी है. वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, वो रिजेक्ट हो गए, नए प्रोडक्ट बनाएंगे. तो ₹35 प्लस ₹25 प्लस ₹15 दैट इज ₹35 प्लस ₹25 प्लस ₹15 75. ठीक है. और ₹5 ऐड कर देंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगी ₹80 पर यूनिट. ठीक है. और ऐसे कितने यूनिट्स है 12.5% यूनिट. ठीक है. 32,000 का 12.5%. नाउ 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू कस्टमर. मतलब 20% आइटम जो प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से फॉल्टी रहेंगे. प्रोडक्शन 100 है तो 20% फॉल्टी है और जितने डिलीवर हुए आइटम को वो कितने हैं 80 हैं. ठीक है. तो अभी ये जो 32,000 है ये क्या बन गया 80% बन गया और 20% फॉल्टी हो गए. ठीक है. तो प्रोड्यूस कितने हुए 100% हुए. अगर 32,000 80% है तो 100% कितना 32,000 डिवाइडेड बाय 80%. 40,000 प्रोड्यूस हुए, उसमें से 20% फॉल्टी है यानी 8,000 और 32,000 डिलीवर हुए कस्टमर को. प्रोडक्शन 40,000 यूनिट्स का, 20% फॉल्टी और 80% डिलीवर हुए कस्टमर को दैट इज़ 32,000 यूनिट्स. उसमें से रिजेक्ट हुए 12.5% यानी कितना रिजेक्ट हुए 32,000 इंटू 12.5%. राइट। सो 4000 क्या हुए, रिजेक्ट हो गए, और 28,000 की डिमांड थी, उतने गुड प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास हैं राइट। नाउ 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज, ठीक है। 10% डायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप हो जाएंगे। जब कुछ नहीं दिया हो तो ये मानते हैं हर एक यूनिट के लिए 1 kg लगेगा। जब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भाई अब मटेरियल कितना लगेगा ये नहीं पता है, सिर्फ मटेरियल की क्या पता है, कॉस्ट पता है। तो हर एक यूनिट को 1 kg लगेगा। अभी यूनिट्स कितनी है, 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, तो कितना मटेरियल लग जाएगा, 40,000 kgs। 40,000 kgs मटेरियल लगेगा। और था कितना, 10% स्क्रैप हो गया, ठीक है। 10% स्क्रैप में डाले यानी 40,000 क्या हो गया, 90% हो गया। तो 10% और 100% निकालना है। 40,000 तो क्या हो गया 90%। सो 40,000 डिवाइडेड बाय 0.9 यानी 40,000 डिवाइडेड बाय 90% करने से आ जाएगा 100%, विच इज 44,444। इसका 10% करेंगे तो आ जाएगा 4,444, ये स्क्रैप, ठीक है। अभी देखिए टोटल मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या था, 12.5% जो आइटम डिलीवर हुए थे कस्टमर को उसमें से रिजेक्ट हुए। 100 डिलीवर हुआ, 12.5% रिजेक्ट हुआ, 87.5% गुड यूनिट्स है। गुड यूनिट्स दी हुई है 28,000, तो हमने 100% भी निकाल लिया और 12.5% भी निकाल लिया, जो कि क्या है 32,000 है और 4,000 है। फिर क्या बोला कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का डिलीवरी कितना है, ₹5 पर यूनिट। ₹5 पर यूनिट ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट है क्या, नहीं है। प्रोडक्ट कितने में बना, ₹75 में प्लस ₹5 डिलीवरी कॉस्ट, तो ₹80 पर यूनिट डिलीवरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है। नाउ 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, ठीक है। अभी ये जो है ये तो डिलीवर हो गए थे 32,000 कस्टमर को डिलीवर होने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले बोला कि प्रोडक्शन का 20% फॉल्टी है, मतलब जो डिलीवर हुए कस्टमर को वो 80% है, यानी 32,000 क्या है 80% है। जब 32,000 80% है तो 100% निकालेंगे, 32,000 डिवाइडेड बाय 80%, 40,000 आ गया, और 20% निकाल लेंगे उसका 8,000। अभी क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज। तो अभी डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे, कितना है, हर एक यूनिट को 1 kg लगता है। 40,000 यूनिट्स बने तो 40,000 kgs यूज हो गए, लेकिन थे कितने, ठीक है, थे कितने, उसमें से 10% स्क्रैप हुए और 40,000 बचे। तो 40,000 इज 90% स्क्रैप 10% और 100% निकालना है। सो 40,000 डिवाइडेड बाय 90%, 100% निकल गया और 10% निकाला, 4,444 kgs स्क्रैप हुए, ठीक है। Now, due to the above, total quality cost for the year is expected to be 10,75,556. Okay. Now, the company is now considering the following proposal. एक नया proposal consider कर रही है company to introduce training program for the workers, which the management of the company believes will reduce the level of faulty production to 10%. This training program will cost ₹4,50,000 per annum. एक training program कर रही है, उसका cost आएगा 4,50,000 पर एनम। ये कंपनी ऐसा बिलीव करती है कि फॉल्टी प्रोडक्शन इस प्रोग्राम से रिड्यूस हो जाएगा 10%। पहले था फॉल्टी प्रोडक्शन 20%, अब हो जाएगा 10%, राइट। नाउ टू अवेल द सर्विस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल consultant at an annual charges of ₹50,000, which would reduce the percent of faulty items delivered to customer to 9.5%, ठीक है। अभी quality control consultant की services ली, उसका annual charge है 50,000। इससे faulty items delivered to customers reduce हो जाएंगे 12.5% से 9.5%, राइट। अब देखिए good units कितने deliver हुई है, 28,000, ठीक है। ये गुड यूनिट्स डिलीवर है। डिमांड पहले था, इसमें स्पेसिफिकेशन का फॉल्ट था, तो पहले रिजेक्ट हुए थे 12.5%, अब हो रहे हैं 9.5%। जब 9.5% रिजेक्ट होंगे तो ये क्या है 100 माइनस 9.5%, 100% माइनस 9.5%, ये है 90.5%, राइट। 28,000 है 90.5%, सो 28,000 डिवाइडेड बाय 90.5% is equal to goods delivered। ये 100% आ गया। कितने goods delivered हुए? 30939। इसमें से faulty कितने हैं? 9.5%, ठीक है। सो 30939 उसमें से faulty है 9.5%, मतलब 9.5%। इतने फॉल्टी है 30939 इंटू 9.5%, तो कितना आ गया? 2939, ठीक है। ये रिजेक्टेड है। अभी क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन में फॉल्टी प्रोडक्शन 10% हुआ, यानी ये कितना है? ये है 90%। अगर ये 90% है, क्या 90% है? 30939 90% है, तो 100% क्या? 30939 डिवाइडेड बाय 90%, सो 100% आ जाएगा 34377। ये 100% हो गया, ये प्रोडक्शन हुआ। फॉल्टी प्रोडक्शन 10%, सो 34377 इंटू 10%, राइट। 34377 इंटू 10%, विच इज इक्वल टू 3438 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया 10%, तो निकाल लिया। पहले क्या था कि 28,000 था 87.5%, अब क्या है? 28,000 9.5%, 9.5% से 100% निकाला, फिर ये 100% 90% बन गया। क्यों? क्योंकि फॉल्टी प्रोडक्शन कितना है? 10% है, तो ये 90 बन गया। हमने 100 निकाल लिया और 10 निकाल लिया। यहाँ पे ये कितना था? 80% था, क्योंकि फॉल्टी प्रोडक्शन कितना था? 20% था, ठीक है। और क्या? 4,50,000 ट्रेनिंग प्रोग्राम और 50,000 क्या? क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट का एनुअल चार्जेस। नाउ रिक्वायर्ड prepare a statement of expected quality cost the company would incur if it accepts the proposal. Costs are to be calculated using the four recognized quality cost head. Four recognized cost क्या है? Preventive cost, appraisal cost, internal failure cost and external failure cost. एक statement prepare करना है quality cost को और बताना है कि क्या proposal accept करना चाहिए। Would you recommend the proposal? Give financial and non-financial reason. आप recommend करेंगे क्या नया proposal accept करना है? उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों रीजंस देने हैं। तो पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट, ठीक है। करंट सिचुएशन, प्रपोज सिचुएशन। एक्चुअली स्टेटमेंट में तो सिर्फ 4 कॉस्ट आएंगे, उसकी वर्किंग करनी है हमको, राइट। सो प्रिवेंटिव कॉस्ट, सबसे पहले प्रिवेंटिव कॉस्ट देखना है। प्रिवेंटिव कॉस्ट करंट सिचुएशन पे तो है ही नहीं, लेकिन प्रपोज सिचुएशन में 4,50,000 प्रिवेंटिव कॉस्ट है। ये फॉल्टी प्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। सो 4,50,000 amount rupees, then appraisal cost। appraisal cost क्या होता है? वो cost जो लगती है क्वालिटी को मेजर, एवेल्युएट और क्वालिटी ऑडिट करने के लिए, वो होती है अप्रेजल कॉस्ट। तो अप्रेजल कॉस्ट क्या? क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट रखा, क्यों? क्वालिटी चेक करने के लिए, और उसका चार्ज है ₹50,000 पर एनम, सो 50,000 प्रपोज्ड में। नाउ नंबर थर्ड, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड external failure cost. Working note and working note, right? Now we are going to see working note, external failure cost. External failure cost मतलब क्या होता है, वो cost. इंटरनल फेलियर मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब तक के वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं होता, एक बार डिलीवर हुआ उसने फॉल्ट निकाला तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के अंदर ही हम फेलियर निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन में, इसमें, उसमें, तो वो इंटरनल फेलियर. कस्टमर निकाल रहा है, बाहर चला गया, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया कस्टमर को, उसके बाद वो होगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. सो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं customers current situation, proposed situation. This customers demand लिखेंगे सबसे पहले. So 28,000 units. 28,000 यूनिट्स. कस्टमर की डिमांड तो सेम है. अभी नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्पैच्ड टू कस्टमर, ठीक है. इसके लिए हमने रफ वर्क भी किया था कि 28,000 यूनिट्स है करंट सिचुएशन का. सो ये है 87.5 क्योंकि रिजेक्ट हुआ है 12.5, राइट. सो 28,000 क्या है, 87.5. 28,000 डिवाइडेड बाय 87.5% करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा. और प्रपोज सिचुएशन में जो 28,000 है वो कितना है, वो है 90.5%. तो जब 28,000 डिवाइडेड बाय 90.5% कर देंगे तो 100% आ जाएगा. अभी ऐसा डिवाइड बाय, ये एकदम छोटी बात है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 100% कैसे आ जाता है ऐसे करने से. कि 28,000 87.5% है तो कैसा, 87.5% मतलब क्या, 87.5 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंट का मतलब होता है. सो जब डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, यहाँ लाते हैं 28,087.5 इंटू 100, मतलब ये 28,000 अगर 87.5 है तो 100 क्या है, ये आ जाएगा, राइट. मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि ये डिवाइडेड बाय करके 100 कैसे आ रहा है. ये बहुत छोटी बात है लेकिन कई बार समझ ही नहीं आती तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है. 28,000 डिवाइडेड बाय 90.5% कर रहे हैं तो कैसे आएगा कि 28,000 डिवाइडेड बाय 90.5 डिवाइड बाय 100%, मतलब क्या, 90.5 डिवाइडेड बाय 100. सो 28,000 डिवाइडेड बाय 90.5, ये डिवाइड ऊपर चला गया, इनटू 100, यानी 28,000 अगर 90.5 है तो 100 क्या है, राइट. ऐसे ये आता है. सो कैलकुलेशन करेंगे. $28,000 divided by 87.5%, which is equal to 32,000, and 28,000 divided by 90.5%, which is equal to 30,939, राइट. अभी ये क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट डिस्पैच टू कस्टमर. और नंबर ऑफ यूनिट्स रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड, कितनी रिजेक्ट और रिप्लेस हुई, 32,000 इंटू 12.5%, ठीक है. ये तो लिखा ही था, गिवन था. और 30,939 इंटू 9.5%, राइट. सो हियर 32,000 इंटू 12.5% विच इज इक्वल टू 4,000 और 30,939 इंटू 9.5% विच इज़ इक्वल टू 2,939. ठीक है. सो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना होगा? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट सबसे पहले 4,000 यूनिट जो है 4,000 यूनिट वो बनेगी भी और डिलीवर भी होगी. तो मैंने आपको बताया था जब बनेगी तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड 75 रुपीज़. सो 75 प्लस डिलीवरी कॉस्ट 5 रुपीज़ इसका. ठीक है. सो इंटू 75 प्लस 5 एक ये और दूसरा 2939 इंटू 75 प्लस 5. राइट. तो कितना आएगा? 80 इंटू 4,000 विच इज़ इक्वल टू 3,20,000 और कितना? 2939 इंटू 4,000 विच इज़ इक्वल टू 2939 इंटू 80 विच इज़ इक्वल टू 2,35,120. ये क्या हो गया? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया. एक बार कस्टमर को गया, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था, उसने रिजेक्ट किया और फिर वो प्रोडक्ट हमको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा. रिजेक्ट करंट में किया 87.5% और 28,000 डिमांड थी, तो 28,000 इज 87.5% 100% निकालेंगे. ठीक है. जब 100% 32,000 निकला तो उसका 12.5% ये निकला. इतना रिप्लेस करेंगे. 4,000 रिप्लेस करेंगे. रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड प्लस कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, यानी 80 रुपीज 75 प्लस 5 इंटू 4,000. लाइकवाइज जब प्रपोज सिचुएशन है तो 28,000 उसमें क्या रिजेक्टेड हो गया 9.5%. तो 28,000 डिमांड है वो कितनी हो गई? 9.5%. तो 100% निकालेंगे 28,000 डिवाइडेड बाय 9.5%. ये इतने डिलीवर हुए. रिजेक्ट कितने हुए? 30,939 इंटू 9.5%. ठीक है. ये रिजेक्ट हुए तो 2939 आया इंटू 80, सो 2,35,000 और 120. राइट. सो हियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में हम लिख लेंगे 3,20,000 3,20,000 and 2,35,120. राइट. अभी क्या लिखेंगे हम? इंटरनल फेलियर कॉस्ट. इंटरनल फेलियर कॉस्ट ये क्या? जब तक कस्टमर को डिलीवरी नहीं हुई, करंट सिचुएशन प्रपोज सिचुएशन, जब तक कस्टमर को डिलीवरी नहीं हुई तब तक कोई भी फॉल्ट निकालना, कोई भी फेलियर, उसका कॉस्ट इंटरनल फेलियर कॉस्ट. एक बार डिलीवरी हो गई, कस्टमर ने फॉल्ट निकाली, रिजेक्ट किया प्रोडक्ट, तो उसका फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ठीक है. तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स dispatched to customer. इसमें आप देखिए एक्सटर्नल ही पहले निकालेंगे फिर इंटरनल. क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है. एक्सटर्नल क्यों पहले निकालेंगे? क्योंकि कस्टमर की डिमांड दी हुई है. ठीक है. 28,000 और हमको बैक कैलकुलेशन करना है, मतलब गुड यूनिट्स उसके पास जितनी है वो दी है 28,000. तो जब बैक कैलकुलेशन करना है उसने कितने रिजेक्ट किया, कितने डिलीवर हुए, तो उसके लिए एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट पहले निकालेंगे तो ईजी रहेगा. ये भी निकाल सकते हैं लेकिन ईजियर मेथड यही है. नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्पैच टू कस्टमर्स. कितनी यूनिट्स डिस्पैच है? 32,000 3939. राइट. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. कितने प्रोड्यूस हुए? मैंने बोला जितना डिलीवर हुए वो क्या हो गया करंट सिचुएशन में? जितना डिलीवर हुए वो 80% हो गए. प्रोड्यूस जो हुए वो 100%. क्यों? क्योंकि 20% फॉल्टी है, ऐसा गिवन है. तो जितने डिलीवर हुए वो 80% है. राइट. सो 32,000 डिलीवर हुए वो 80% है तो 100% कितना होगा 32,000 डिवाइडेड बाय 80% विच इज़ इक्वल टू 40,000. ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है. प्रपोज सिचुएशन में जितने डिलीवर हुए वो कितने हैं 90% क्योंकि 10% फॉल्टी है राइट 10% फॉल्टी है. उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सर्विस ली थी 10% फॉल्टी है 30,939 डिवाइडेड बाय 90% 939 डिवाइडेड बाय 90% तो कितना हुआ 34,377. अभी नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्कवर्ड फॉल्टी कितना करंट सिचुएशन में 40,000 इंटू कितना परसेंट 20%. 20% फॉल्टी है 40,000 इंटू 20% डायरेक्टली निकल जाएगा 8,000 यूनिट्स. और प्रपोज सिचुएशन में 34,377 इंटू 10% विच इज़ इक्वल टू 3438 राइट. कॉस्ट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन इंटरनल फेलियर में पहला क्या निकाला कॉस्ट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स है. 8,000 यूनिट्स फॉल्टी प्रोड्यूस हुई. कितना मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स उस पर लगा था ये वेस्ट हो गया ₹75 का. सो 75 इंटू 8,000 राइट 8,000 into 75 which is equal to 6 lakh right. cost of faulty production ये A दे दिया उसको आपने. और प्रपोज सिचुएशन में 3,438 है नंबर ऑफ यूनिट्स फॉल्टी इंटू 75 विच इज़ इक्वल टू 2,57,850 ठीक है. ये हो गया कॉस्ट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन ठीक है. कैसे निकालेंगे डिस्पैच जितनी क्या वो पता है जितनी डिस्पैच हुई करंट सिचुएशन में वो 80% है प्रपोज में वो 90 है. सो जितनी प्रोड्यूस हुई कैसे निकालेंगे 32,000 डिवाइडेड बाय 80 मतलब 32,000 80% है तो 100% कितना 32 डिवाइडेड बाय 80,000 40,000 30,939 कितना है 90% सो 100% कितना है 30,939 डिवाइडेड बाय 90% 100% आ गया. अभी फॉल्टी कितनी होगी दिस इंटू 20% दिस इंटू 10% ये यूनिट्स निकल गई. अभी कॉस्ट क्या होगा फॉल्टी प्रोडक्शन का जितना मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स उस पर वेस्ट हो चुका है ₹75 पर यूनिट. सो यूनिट इंटू ₹75 तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन 6 लाख एंड 2,57,850 राइट. ये करंट सिचुएशन प्रपोज सिचुएशन और क्या है देखिए इंटरनल फेलियर में पहला तो फॉल्टी प्रोडक्शन और क्या मटेरियल स्क्रैप हुआ 10% ऑफ द मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज राइट. तो जब प्रपोज्ड है इसमें ये बदला फॉल्टी प्रोडक्शन इसमें ये बदला कि कितना कस्टमर के पास जाके रिप्लेस होगा लेकिन इसमें 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का स्क्रैप हुआ. इसका दूसरा कुछ भी चेंज नहीं दिया है कि अभी 20% स्क्रैप होगा या अभी 5% स्क्रैप होगा तो उसको सेम मानेंगे 10% यहाँ पे भी मानेंगे राइट. नोट पहले लिख लेंगे एक if the question is silent मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है then it is assumed क्या assume किया जाता है 1 unit requires 1 kg of material and 1 hour of time. टाइम 1 आवर लगता है, मटेरियल 1 kg लगता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है 1 यूनिट पे। कुछ नहीं दिया है इतना मटेरियल लगा, इतने घंटे लगे, तो 1 kg लगेगा, 1 आवर लगेगा, ठीक है। सो 40,000 यूनिट्स लगेगी, 34,377 यानी केजीज कितने लगेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूज कितने हुए, 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। बाद में फॉल्टी प्रोडक्शन हुआ, बाद में रिजेक्ट हुए, लेकिन पहले प्रोड्यूस हुई थी 40,000 यूनिट्स। तो 40,000 यूनिट्स के लिए लगेगा 40,000 केजीज। इसमें भी कितनी प्रोड्यूस हुई, 34,377। बाद में 10% फॉल्टी प्रोडक्शन है, 9.5% रिजेक्ट हुए, वो बाद की बात है। प्रोड्यूस कितना हुआ, 34,377 यूनिट्स, तो इतने ही केजीज लगेंगे, राइट। Now material, total material in storage, बोला कि स्टोर में रखे हुए मटेरियल में से 10% स्क्रैप हो गया था, मतलब ये कितना है जो यूज हुआ वो 90% है, राइट। कोई और डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला मटेरियल थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना है, सेम डिवाइडेड बाय 90%, ठीक है। सो टोटल मटेरियल इन स्टोरेज 40,000 डिवाइडेड बाय 90% विच इज इक्वल टू 44,444 kgs, ठीक है। अभी प्रपोज सिचुएशन में 34,377 डिवाइडेड बाय 90% विच इज इक्वल टू 100% कितना होगा, 34,377। वेट अ मिनट, 34,377 डिवाइडेड बाय 90% विच इज इक्वल टू 38,196.6, ठीक है। इतना केजीज लगेगा। अभी मटेरियल स्क्रैप्ड कितना है, मटेरियल स्क्रैप्ड 44,444 into 10% and 38,196.6 into 10%. तो कितना स्क्रैप हुआ, 44,444 into 10%, which is equal to 4,444 kgs. और यहाँ 3,896.6 into 10%, which is equal to 3819 kgs, ठीक है। इतना मटेरियल स्क्रैप हुआ, इतना मटेरियल स्क्रैप हुआ, और मटेरियल का कॉस्ट कितना है, ₹35 पर यूनिट, और एक यूनिट में 1 kg लगेगा, यानी ₹35 पर kg भी होगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो एक यूनिट में 1 kg मटेरियल लगता है, और यहाँ पे लिखा है मटेरियल कॉस्ट ₹35 पर यूनिट, तो यानी पर kg भी कितना, ₹35 जिस इक्वल टू मटेरियल बी कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्क्रैप्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्क्रैप कितना, 35 इंटू करना है किससे, 4,444, और दूसरे बार इंटू करना है किससे, 3819 kg। सो 4,444 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 1.44 आएगा क्या, यस। जब यहाँ पे 40,000 करेंगे डिवाइड बाय 90% करेंगे तो ये 0.44 आएगा। सो 4,444.44 राइट इंटू 0.1 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 1,55,556, राइट, 1,55,556। और दूसरा 3819 into 35 which is equal to 133,665, right। पॉइंट का एक दो रुपये इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने पॉइंट पे नहीं लिया ये, तो एक दो रुपये इधर उधर हो सकता है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना आएगा 1,55,556 1,55,556 और प्रपोज में 1,33,665 एक दो रुपये इधर उधर हो सकता है बिकॉज ऑफ पॉइंट राइट। अभी टोटल करेंगे $1,55,556 प्लस $3,20,000 वेट अ मिनट। एक्सटर्नल फेलियर में मैंने क्या किया, ये ऐड नहीं किया, सॉरी ये मटेरियल स्क्रैप का होगा। सो अभी टोटल करेंगे, टोटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट ए प्लस बी करना पड़ेगा, ठीक है। सो विच कम्स टू 6 लाख प्लस 1,55,556 सो 7,55,556 और इसमें 2,57,850 प्लस 1,33,665 विच इज इक्वल टू 3,91,515। सॉरी मैंने ऐड नहीं किया था दोनों। सो अभी इधर आ गया 7,55,000 और यहाँ आ गया 3,91,515 3,91,515 अभी टोटल करेंगे। सो 7,55,556 प्लस 3,20,000 विच इज़ इक्वल टू 10,75,556 राइट। एंड प्रपोज्ड में 4,50,000 प्लस 50,000 प्लस 3,91,515 प्लस 2,35,120 विच इज इक्वल टू 11,26,635 राइट। सो कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट यानी ये चारों कॉस्ट का टोटल करेंगे तो करंट सिचुएशन में 10,75,556 जो गिवन भी है इतना कॉस्ट लगेगा और प्रपोज सिचुएशन में 11,26,635 यानी कॉस्ट बढ़ गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मुझसे, हमसे पूछा गया था प्रिपेयर स्टेटमेंट, हमने कर दिया। कॉस्ट हैड टू बी कैलकुलेट यूजिंग फॉर रिकॉग्नाइज क्वालिटी कॉस्ट हैड, ये हमने कर दिया। प्रिवेंटिव अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। वुड यू रिकमेंड द प्रपोजल, गिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रीजन, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट फिनेंशियल रीजन्स ओनली, जब फिनेंशियल रीज़न लेंगे ऑफकोर्स रिकमेंड नहीं करेंगे, वी वुड नॉट रिकमेंड प्रपोज सिचुएशन बिकॉज एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट is more than proposed a current situation. Of course the financial grounds पे देखेंगे तो recommend नहीं करेंगे क्योंकि quality cost ज़्यादा आ रही है current situation से, पर non financial grounds पे कर सकते हैं क्योंकि quality improve करने से market share बढ़ सकता है जो कि long run में अच्छा है, so कर सकते हैं। but focusing on quality cost may increase market share, market share increase कर सकता है, hence it can be accepted taking into account non-financial reasons because this can help in long run. देखिए अगर फिनेंशियल में देखें तो क्वालिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हमको प्रपोज सिचुएशन क्वालिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है प्रपोज सिचुएशन में, तो अगर सिर्फ फिनेंशियल रीज़न से देखेंगे तो हमको प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन नॉन फिनेंशियल टर्म्स में अगर देखते हैं हम तो क्या हो सकता है कि मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए. सो इट कैन बी एक्सेप्टेड टेकिंग इनटू अकाउंट नॉन फिनेंशियल रीज़न बिकॉज दिस कैन हेल्प इन लॉन्ग रन. ठीक है, में इंक्रीज मार्केट शेयर फिनेंशियल रीजन से तो नहीं बट नॉन फिनेंशियल से एक्सेप्ट कर सकते हैं. ये हमने देखा एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट कैसे निकला, प्रिवेंटिव अप्रेजल, देन इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर. ठीक है, एक्सटर्नल फेलियर का भी पूरा बैक कैलकुलेशन किया, इंटरनल फेलियर का भी किया. इसलिए पहले एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट निकालेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि कस्टमर को कितनी गुड यूनिट्स मिली उससे हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो वो ईजियर रहेगा. बाय बाय.